हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगा फाइजर वैक्सीन के कोरोना का टीका। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन FDA ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल के किशोरों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। FDA के कार्यकारी आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक ने कहा कि कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर लिया गया यह निर्णय हमें सामान्य स्थिति में लौटने के करीब लाएगा। माता पिता और अभिभावक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एजेंसी ने सभी उपलब्ध डेटा की गहन समीक्षा की है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन FDA ने 16 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर वैक्सीन लगाने की पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि फाइजर कंपनी ने पाया कि उसका टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है, जिसके एक महीने बाद यह घोषणा हुई। अब फाइजर की दो खुराक वाले वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए आपात स्थिति में इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की चेतावनी मिलने के बाद इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में FDA द्वारा उठाया गया कदम काफी महत्वपूर्ण है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.